तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में इस चैप्टर में क्या था सर कि हमें जो टैक्स देना है वो घर से जो इनकम आएगा उसके ऊपर टैक्स देना है और किस तरीके से टैक्स देना है वो सारी चीजें हमने इसमें देख लिया था। तो आगे बढ़ेंगे हम इसमें, हम कुछ बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे प्रैक्टिस और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे इसका बताइए, ये होमवर्क में दिया था, ये हो गया? सभी बच्चे एक बार बताएंगे मुझे क्या ये क्वेश्चंस कर लिया आपने या फिर नहीं किया, या मुझे करना है बताइए। आपके बुक में है पहले तो ये देख लीजिए आप, नहीं है ये? चलिए करके दिखा दें फिर, चलिए प्रैक्टिस ही तो करना है। आ जाइए, दो रिज्यूम से कर लेते हैं इसको। 2-1 तो कर लिया, ये नहीं किया? 5.21 है आपकी किताब में, कर लिया या नहीं किया? बताइए। करा था आपने, बुक ले लिया? कब लोगे? तो गांव से और बुक्स का क्या मतलब है? अब इतने का थोड़ी है, 1-2 लाख रुपए का बुक है, रजिस्ट्री कराने जाना पड़ेगा। क्यों नहीं मिलेगी? नहीं, अरे आप कर यहाँ पे चले जाइए, करमपुरा में मिल जाएगा फटाफट से। हाँ तो आप जाके लिया होगे, उसमें क्या है? अरे तो खो थोड़ी जाओगे, एक बार चले जाना। हाँ तो पापा के डिपेंड थोड़ी रहना है इतना कि भाई पापा लाएंगे तभी। अब पापा मान लो बोलेंगे बेटा अगले साल आऊंगा तो पेपर नहीं दोगे सर? हाँ तो ऐसा ही होता है। हाँ चलिए, क्वेश्चन में एमवी दे रखा है, पहले एक पढ़ लेते हैं। आर हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सबमिटेड यू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 24-25। आपको एमवी दे दिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एमवी दे दिया 90,000, तो न्यू के हिसाब से भी 90,000 ले लिया। और ओल्ड, न्यू और ओल्ड का मतलब समझ रहे हैं क्या? ये न्यू रिज्यूम ओल्ड रिज्यूम, क्योंकि यहाँ पे दोनों बोला हुआ है, डज नॉट ऑप्ट और टू बी ऑप्ट, जो भी है दोनों के हिसाब से है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन के बाद एफ आर दे दिया इन्होंने, फेयर रेंट, फेयर रेंट कितने का है? 1:10। इसके बाद एस आर दे दिया, एस आर क्या होता है वैसे, एस आर बताओगे? एस आर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट होता क्या है? ये जो कोर्ट डिसाइड करता है। चलिए, कहता है द प्रॉपर्टी लेट आउट 1/4/2022। थोड़ा सा मैं डेट का करेक्शन करना चाहूंगा, ये 22 के बजाय ये होगा 23, ठीक है? और ये भी होगा 23, मैं डेट थोड़ा करेक्शन कर दूं, और ये भी होगा 23। तो प्रॉपर्टी जो है 1/4/2023 में 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमने किराए पे दे दिया, विच वॉज वेकेटेड बाय टेनेंट 30/9 को, यानी यहां से लेके 30/9/2023 तक तो किराए पे रहा और यहां से खाली हो गया। इट वॉज रिमेंड वेकेंट 2 महीने, और 2 महीने तक यहाँ वेकेंट रहा, और फिर से 1/12/2023 से फिर से किराए पे लगा दिया, और दैट इज 11,000 रुपये महीने से, ठीक है? अब वेकेट का मतलब है खाली, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो नहीं बोला ना इसने, बोला कहीं के उस 2 महीने में इसने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया था? तो बोला नहीं, बोला सर वीके सिंघानिया में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मैं अगली क्लास से ना कुछ वीके सिंघानिया वाले भी बुक के क्वेश्चंस लेना चालू करूंगा, अगले चैप्टर से कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में वीके सिंघानिया है और बहुत सारे कॉलेज में ग्रीस आहूजा है,
वो भी लेना चालू कर दूंगा। और या तो आप बस बढ़िया ये रहेगा कि जो जो आपसे क्वेश्चंस हो जाए, नहीं होते ना तो इमेज भेज दीजिए, मैं बोर्ड पे करा दूंगा, तो इससे दोनों का ना निपट जाएगा। चलिए आगे कहता है 11,000 रुपये, यानी इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त क्या सितंबर, 6 महीने, 6 मंथ तक तो मेरे पास किराया मिला होगा 8,000, और इसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और 4 महीने तक मुझे किराया मिला होगा 11,000। अगर किराया निकालू तो 8,72,000 रुपये ये आ गया, नहीं 8 6 48 होते ना, 8 6 48 और 11 4 44, ये हमारा रेंट पूरे साल में रिसीव हुआ, इसके अंदर 2 महीने तो वैकेंसी था। नाउ म्युनिसिपल टैक्स पेड कहता है 20% म्युनिसिपल वैल्यू, वो तो ऑलवेज पता है हमें। इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो परचेज ऑफ द हाउस 30,000 रुपीज हमने दिया, ये क्या है हमारा 24, बताओ कौन सा सेक्शन, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी कौन सा सेक्शन है इंटरेस्ट का, 24B, 24B हमारा, ठीक है ना, 30,000 रुपीज हमारा है बोरोड। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल हो। हम फटाफट से यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, तो इन दोनों में से हायर लोअर, तो कितना आ गया, 1 लाख आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, क्लियर है। इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट अगर मैं काउंट करूं यहाँ पे, तो एक्चुअल रेंट बनता है हमारा 48,000 और प्लस 44,000, जो बनता है हमारा 92,000, कितना बन रहा है। तो मैंने कहा भैया यहां हायर और लोअर का बड़ा तगड़ा खेल है। अब हम पूरे 12 महीने का कैलकुलेट करेंगे, अगर 12 महीने का हम उससे ज्यादा बता रहे हैं तो फिर हम जो है उसी के हिसाब से, जो लोअर भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर 12 महीने का कम आ रहा है, सपोज करो मेरा 92 आ रहा है, कितने महीने का 92 आ रहा है मेरा सिर्फ ये, अब हो सकता है मे बी 8,000 रुपये महीने के और किराए पे दो महीने खाली थे, तो 8,000 महीने से भी जोड़ देता हूँ 16,000, तो कहीं गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन से तो मैं ज्यादा ही रेंट ले रहा हूँ। तो इस केस में अब मुझे यहाँ पे जो लेना पड़ेगा दैट इज 92,000 लेना पड़ेगा। और कौन बच्चा दिमाग से, मैंने कहा कि हम गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट का है वो 1 लाख कह रहा है और हमारा जो कह रहा था वो हम 1 लाख से ज्यादा ही बता रहे हैं उसको रेंट। तो अब बताइए मेरा यहां पे जीएबी क्या आएगा, फटाफट कमेंट में बता दीजिए जीएबी क्या आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए जीएबी क्या आएगा, देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जीएबी बताइए क्या होगा, यहां पे 1 लाख जीएबी होगा या 92,000 होगा। देखो मैंने दोनों चीजें बता दी हैं। नेहा का कहना है 92, ईशान सोनी का कहना है 92, निहाल का भी 92, मैक्सिमम बच्चे क्या कह रहे हैं 92, वेरी वेरी गुड, आपका सभी बच्चों का एकदम सही जवाब सर 92, ठीक है ना। और जो शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, वो क्या बोलेंगे 1 लाख, जिसको कम समय में सीखना है वो तो 1 लाख ही बोलेगा, दोनों में से हायर। वैसे असली जवाब क्या है इसका 92। अब चलिए इसमें से आ जाते हैं, माइनस क्या कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना दे रखा था यहाँ पे 20% म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू का 20% आ जाएगा हमारा 18,000, म्युनिसिपल वैल्यू का आ जाएगा 18,000, 92 में से 18,000 माइनस कर देते हैं 74, ये आ गया एनएवी। अब माइनस करोगे इसमें यहां पे 24A 30% 22200 22200 और माइनस क्या कर दोगे 24B, कितना है भाई साहब 30,000। अब बताओ दोनों में 30,000 माइनस करने हैं या सिर्फ ओल्ड में ही करना है, दोनों में करना पड़ेगा या ओल्ड में, नए वाले में जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तब नहीं मिलता, बाकी केस में तो मिलता ही मिलता है। तो भाई साहब दोनों में होगा और ये आ गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस करके 21,800, चेक कर लीजिए।
क्या है देखिए, ठीक है, कितने आंसर आ गया 2180। अब एक बात बताइए, यहां पे कहता है वेकेंट खाली था, और हम यहां पे क्या मान के चल रहे हैं कि रूल नंबर 4 को इसने सेटिस्फाइड कर दिया होगा। ये नोट देना पड़ेगा, वी अज्यूम दैट एसएससी हैज सेटिस्फाइड रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कितने बातें, चार बातें। पहली बात क्या, एसएससी बोनाफाइड मतलब बड़ा ईमानदार हो, दूसरा आपने लीगल सारे स्टेप्स ले लिए हो, तीसरा आपने उसके पैसे रिकवर करने के लिए सारे अपने मतलब के उसको डरा लिया, धमका लिया, ये सारे काम कर लिया, चौथा वो जो टेनेंट है वो किसी अदर प्रॉपर्टी में आपके नहीं होना चाहिए। तो ये चार रूल है, रूल नंबर 4 के अगर ये चारों सेटिस्फाई करता है तब मानेंगे आपका घर खाली था, अदरवाइज खाली नहीं था, जो कि अनरियलाइज रेंट का पार्ट माना जाता है कई बार, और कई बार नहीं माना जाता। तो जब भी वैकेंसी का केस आए ना, तो आप हमेशा मान के चलिएगा भैया वो रूल नंबर 4 सेटिस्फाई करके रखा है, रियल लाइफ में कभी नहीं हो सकता, वैसे नॉर्मली। अब बच्चे पूछेंगे सर क्या रियल लाइफ में भी ऐसे होगा, रियल लाइफ में म्यूनसिपल वैल्यू कुछ नहीं होता भैया, जितना रेंट आया जीएबी निकालो खटाखट करो। पहले मैं भी सोचता था जब मैं रिटर्न वगैरह नहीं फाइल करता था, रियल लाइफ में हम जाएंगे क्या म्यूनसिपल वैल्यू, पड़ोस में जाएंगे भाई तूने कितना किराया लिया था, मेरे को फेयर रेंट जानना है, पूछेंगे क्या हम, नहीं। रियल लाइफ में होता है भैया ये सब चीजें, झूठ बातें, सीधा जीएबी से स्टार्ट और खटाखट खत्म हो जाता है, रियल लाइफ के अंदर ऐसे होता है। लेकिन ये सारी चीजें पता है कब एप्लीकेबल हो जाती है, जब आपका केस स्कूटनी में फंस जाता है। अब सर स्कूटनी में फंसने का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स का आ जाता है नोटिस, और नोटिस में इनकम टैक्स वाले बोलते हैं भैया जवाब दो, तब आप म्यूनसिपल वैल्यू को फोन करते हो भैया तुम्हारा बता दो कितना वैल्यूएशन है, फिर लिखते हो, फिर उस हिसाब से आप अपना उसका रिप्लाई तैयार करते हो, और फिर एसेसिंग ऑफिसर यानी जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनको दिखाते हो, वो फिर सेटिस्फाई होगा तब वो केस से आप मुक्त हो जाओगे, नहीं अगर वो सेटिस्फाई होगा तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। ये चीजें हैं सारी की सारी चीजें, और मेरा मानना है हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को ना, हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, क्योंकि 90% में 90% से भी ज्यादा ही होगा किराया जो होता है ना वो कैश में ले लिया जाता है, 90% से ज्यादा ही होगा किराया कैश में। या मान लो किसी का आपने देखा होगा बैंक वगैरह किराए पे है, तो वो किराया पता है क्या करते हैं, वो जितना भी किराया होता है ना कुछ तो चेक में लेते हैं और कुछ कैश ले लेते हैं, वो पूरा कभी नहीं दिखाते हैं। अब भैया कुछ कैश और कुछ चेक तो सामने वाली पार्टी क्यों देगी, सामने वाली पार्टी अगर ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानेगी तो बोलूंगा नहीं दे रहा मैं तेरे को अपना मकान किराए पे, और आपको लोकेशन बहुत अच्छा वो लग रहा है तो आप तो मकान मालिक के हिसाब से चलोगे, किराएदार अपनी मर्जी थोड़ी ना चलाएगा, ना भाई मैं तो चेक में दूंगा, तो बोलेगा ठीक है भाई मेरा घर भी नहीं है, वो तो सीधा बोलेगा। तो उसके हिसाब से ना यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत बड़ा ये लूप होल्स मान लो, और बहुत जल्दी आपका अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट ये सुनने में आ रहा है कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम इनकम टैक्स पूरा बदल देंगे 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद तो बजट ही आता है, तो शायद अगले बजट में फरवरी में पूरा इनकम टैक्स न्यू आ जाए। मतलब न्यू क्या होगा, सारी चीजें तो वही होंगी, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ सकता है, और साथ के साथ उसके अंदर काफी सारे बदलाव भी हो सकते हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना, आपके इंतहाम आपके एग्जाम से भी लेना देना नहीं है, आगे आने वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उसको।